तम 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 पम पम झम झम झीम झीम शीम शीम राम राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते ओम ह्रीम क्रोम पापम खंडे खंडे जय जय दह द पच पच पाचय पाचय ओम नमो रम झम झीम श्रीम हम स ज व पह छाम छीम छूम छे छो छम छ श्रीम राम रीम रूम रेम रोम रम रह राम रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते ठ ठ अस्माकं संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिरास संगस्य आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिरास संगस्य श्रीमान ब्रह्मचारी संजय भैया जी गुरु व आशीष भैया जी ब्रह्मचारी सोम्या दीदी जी ब्रह्मचारिणी प्रज्ञा दीदी जी ब्रह्मचारिणी प्रमेया दीदी जी ब्रह्मचारी गुणता दीदी जी ब्रह्मचारी धर्म प्रभा दीदी जी सकल दिगंबर जैन समाज सिरपुरस्य श्री रस्तु वृद्धि रस्तु तुष्टि रस्तु पुष्टि रस्तु शांति रस्तु कांति रस्तु कल्याण वस्तु स्वाहा समस्त अभिषेक शांति हरा कर्ता परिवार से कार्य सिद्ध्यर्थ सर्व विघ्न निवारणार्थ श्रीमद भगवत अर्हत सर्वज्ञ परमेष्ठी परम पवित्राय नमो नमः। समस्त शांति हरा कर्ता परिवार से श्री शांति भट्टारक पद्म पद प्रसादा सद्धर्म शिवलायु आरोग्य ईश्वर अभिवृद्धि रस्तु सद्धर्म शिष्य परशिष्य वर्ग प्रसिद्धंतु न ओम श्री विश्वादय श्री वर्धमान पर्यंतश्च चतुर्विशंति अरहंतो भगवंता सर्वज्ञः परम मंगल नाम देया। समस्त शांति हरा अभिषेक कर्ता परिवार से या उत्तर च सिद्धिम तन्वंतु सद्धर्म कार्येषु या उत्तर च सिद्धिम प्रत्यच्छन्तु न ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्रीमत्पाशितंकराय श्रीमद्रत्नत्रय रूपाय दिव्य तेजो मूर्ते प्रभा मंडल मंडिताय द्वादश गण संहिताय नित्य चतुष्टय संहिताय समोषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष संहिताय। संसार में दो प्रकार के पदार्थ हैं, एक जड़ पदार्थ है और एक चेतन पदार्थ है। चेतन हमेशा ज्ञानवान होता है और अचेतन जड़ रूप में रहता है, वह ज्ञान से शून्य होता है। भप जीव वो कहलाते हैं जिन्हें रत्नत्रय की सिद्धि हो जाती है, अभप जीव वो कहलाते हैं जिन्हें कभी रत्नत्रय की सिद्धि नहीं होती है। जैसे एक मूंग होती है कि वह मूंग कितने भी पानी में गलाई जाए उबाली जाए कुछ भी की जाए वो कभी सीझती नहीं है, ठीक इसी तरीके से अभव्य कभी भव्य नहीं हो सकता है। आचार्य कहते हैं कि कितने भी अच्छे गुरु क्यों ना मिल जाए तो भी एक बात वो कहते हैं, अज्ञ कभी विज्ञ नहीं हो सकता है और विज्ञ कभी किसी की भी संगति में जाए तो अज्ञ विज्ञ नहीं हो सकता है। अरे मतलब जो जड़ है वो कभी चेतन नहीं हो सकता और जो चेतन पदार्थ है वो कभी जड़ नहीं हो सकता है। लेकिन एक चीज है, जिनके विज्ञता है, ज्ञान है, तो ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उगाड़ने के लिए गुरु निमित्त होते हैं और वो निमित्त उसी प्रकार से होते हैं जिस तरीके से धर्म द्रव्य होता है। अब निमित्त के संदर्भ में लोगों का ये स्पष्ट कहना आना चाहिए जिसमें वो अपनी बातों को छुपा करके बात करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि निमित्त कुछ नहीं करता है, लेकिन एक चीज है धर्मास्तिकाया भावात। आचार्य उमा स्वामी जी ने तत्वा सूत्र के 10वें अध्याय के 8वें सूत्र में एक बात लिख दी कि धर्मास्तिकाया का अभाव होने से आगे लोक के अग्रभाग के आगे गति नहीं हो पाती सिद्ध जीवों की। अर्थात निमित्त भी एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और जिस निमित्त की महत्वता को अगर हम समझ लें और हम विचार कर लें, क्योंकि निमित्त दो प्रकार के होते हैं, संसार में रुलाने वाले, संसार में भटकाने वाले भी निमित्त होते हैं, परंतु भटकने वाला उन निमित्तों का आश्रय लेकर के भटकता है। निमित्त किसी को जबरन भटकाते नहीं है और न निमित्त किसी को पलात मोक्ष दिला सकते हैं। अब सवाल इस बात का है कि हमारे जिन बिंब के निमित्त होते हैं तो जिन बिंब में अगर हम सरागी निमित्त को ढूंढेंगे तो सरागी निमित्त होने से कपड़े वाले भगवान को अगर हम पूजने लगेंगे तो ये बात निश्चित है कि वो निमित्त हमारे लिए श्रृंगार का निमित्त होगा, संसार के विकारों का निमित्त होगा, वो हमारे लिए सरागता का निमित्त होगा, वो हमें वीतरागता का निमित्त नहीं होगा। हमारी वीतरागता के निमित्त से हमारे अंदर वीतरागता आए अथवा ना आए बिल्कुल सही बात है, लेकिन जब भी आएगी तो वीतरागता के निमित्त की आवश्यकता होती है। जैसे पानी में लहर उठे या ना उठे दोनों बातें होती हैं, लेकिन जब भी लहर उठेगी तब वहां पर हवा का निमित्त अवश्य होगा।
इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं रेल चले या ना चले, लेकिन जब भी रेल चलेगी तो वहां पटरी का निमित्त आवश्यक होगा, बिना पटरी के रेल नहीं चल सकती। तो कुछ लोगों का कहना होता है कि मोक्ष के लिए निमित्त अपने आप मिल जाता है, हमें निमित्त मिलाना नहीं पड़ते, लेकिन ऐसा नहीं है। मोक्ष मार्ग के निमित्त मिलाना पड़ते हैं, संसार मार्ग के निमित्त अपने आप मिल जाते हैं। जैसे पानी को नीचे गिराने के लिए किसी प्रकार की विद्युत मोटर या पंप की जरूरत नहीं होती है, लेकिन ऊपर चढ़ाने के लिए पंप और पाइप और सब चीजों की जरूरत होती है। इसी तरीके से आप हमारे इस बात पर विचार कर लें कि निमित्त अकिंचित कर नहीं है, किंतु दोनों कारणों से कार्य होता है। बाह्य तरोपाधि समग्र तेयाम कार्य सुते द्रवगता स्वभाव नैवान्य तमोक्ष विदिश्च पुंसाम तिनावि बंधस्तु मिश्र उदानम। इसलिए हम बीतरागता के निमित्तों को ही ढूंढते हैं जिनसे हमें बीतरागता दिखे।